दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच रद्द होने के बाद बदल गया अंक तालिका का समीकरण। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान की टीम को हुआ बड़ा फायदा, तो वहीं भारतीय टीम को लगा तगड़ा झटका। तो वहीं बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच उड़ गए होश। तो आखिर पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या समीकरण है, ये तो आपको बताएंगे। साथ में भारत पाकिस्तान समेत सभी टीम के हाल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, एशिया कप के अंदर पहले राउंड के समाप्त हो जाने के बाद अगले राउंड यानी सुपर फोर राउंड में कौन सी टीम पहुंचेगी चार? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान की टीम को आमंत्रित किया, जो बिल्कुल गलत फैसला साबित हुआ, क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मैच में 48.5 ओवर में 266 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन हार्दिक पांड्या ने बनाए, उन्होंने 87 रन की पारी खेली। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भी दिल जीता और पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन बनाए। इन दोनों के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका। यहां तक कि हार्दिक और ईशान के बाद बुमराह तीसरे टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने आखिरी में 16 रन बनाकर भारत को 266 रन तक पहुंचाया। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने 10 ओवर में 35 रन देकर 4 विकेट लिए। नसीम शाह और हरीश रऊफ को 3-3 सफलता मिली। ऐसे में बारिश के चलते मैच दोबारा प्रारंभ नहीं हुआ और मुकाबला रद्द करना पड़ा। इसके बाद अंक तालिका में काफी बड़ा फेरबदल देखने को मिला। दरअसल अंक तालिका के बारे में बात करें तो सबसे पहले ग्रुप बी में सबसे नीचे बांग्लादेश की टीम है, जिनके अब तक एक मैच में 0 अंक है। आपको बता दें, बांग्लादेश की टीम को अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते इनका नेट रन रेट नेगेटिव में पहुंच गया। ऐसे में बांग्लादेश की टीम का नेट रन रेट नेगेटिव में 0.95 है। बांग्लादेश की टीम को अब अपना दूसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 3 सितंबर को खेलना है। अगर इस मैच में बांग्लादेश की टीम को जीत मिल जाती है तो अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम पर आश्रित रहना पड़ेगा, अन्यथा हार के बाद बांग्लादेश की टीम अगले राउंड से बाहर हो जाएगी। तो वहीं दूसरे पायदान पर अफगानिस्तान की टीम है, जिन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। ऐसे में इनके 0 अंक है। अफगानिस्तान की टीम को अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 3 सितंबर को खेलना है, जहां अफगानिस्तान की टीम अगर जीत दर्ज करती है तो वो पहले या दूसरे पायदान पर रहेगी, अन्यथा हार का सामना करने के साथ तीसरे पायदान पर आ जाएगी। तो वहीं सबसे ऊपर श्रीलंका की टीम फिलहाल मौजूद है। पिछले साल के चैंपियन श्रीलंका की टीम ने अभी तक एकमात्र मुकाबला खेला है, जिसमें उन्होंने अपने घर पर बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। ऐसे में इनका नेट रन रेट पॉजिटिव में काफी शानदार है, जहां पर श्रीलंका का नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.95 है। श्रीलंका की टीम में एक मैच में एक जीत के साथ 2 अंक है। ऐसे में अब श्रीलंका की टीम को अपना अगला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 5 सितंबर को खेलना है, जहां पर श्रीलंका की टीम जीत दर्ज करने के साथ ऑफिशियली अगले राउंड में पहुंच जाएगी और हार के बावजूद दूसरी टीम के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। दोस्तों, ग्रुप बी के बाद अब ग्रुप ए की बात की जाए तो इस ग्रुप में सबसे नीचे नेपाल की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपना एकमात्र मुकाबला खेला है। इस मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के घर में 238 रन से हार का सामना किया, जिसके चलते उनके एक मैच में 0 अंक है। उनका नेट रन रेट भी नेगेटिव में 4.76 है। और ऐसे में अब नेपाल की टीम को अगला मैच भारत के खिलाफ 4 सितंबर को खेलना है। इस मैच में अगर नेपाल की टीम जीत हासिल कर लेती है तो नेपाल को सीधे दूसरे राउंड में जगह मिलेगी, और अगर हार का सामना करना पड़ता है तो नेपाल का सफर समाप्त हो जाएगा। और वहीं दूसरे पायदान पर फिलहाल भारतीय टीम मौजूद है, जहां भारतीय टीम ने एक मैच के अंदर एक अंक रद्द मैच के जरिए हासिल किया है। भारतीय टीम को अब अपना अगला मैच 4 सितंबर को नेपाल के खिलाफ खेलना है, जहां भारत नेपाल के खिलाफ जीत दर्ज करके दूसरे राउंड में पहुंच सकता है। तो वहीं अगर भारत को हार मिली तो भारत का सफर समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ऊपर पाकिस्तान की टीम मौजूद है, जिनके मैच में एक जीत और एक रद्द के साथ 3 अंक है। पाकिस्तान ने पहले 238 रन से नेपाल को हराया, तो वहीं भारत के खिलाफ रिजल्ट नहीं निकला। इसके चलते पाकिस्तान की टीम ने 3 अंक हासिल किया और इनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 4.76 है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम ने 3 अंक हासिल करने के साथ अगले राउंड में जगह बना ली और सुपर फोर राउंड में पहुंचने वाली सबसे पहली टीम बन चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार फाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।